Dear students, good afternoon. Very warm welcome to one and all. I Babita Devangan, and today I am going to teach you the next topic of GK, that is Indian Spectrum. अब हम लोग कुछ famous cities के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आपको कुछ clues दिए हैं, आपको बताने कि वो कौन सी city है, क्या क्या वहाँ पे special है ना, ऐसी आपको बहुत सारी clues दिए हैं, आपको सिर्फ उसको बताना है. Okay class? ये क्लू दिए तो हैं, पर साथ में आपको आंसर्स भी गिवन है. आपको उसी आंसर में से गैस करना है, ठीक है? अलग से आपको और कोई आंसर नहीं होगा. जो आंसर्स गिवन हैं आपके 10-12, उसी में से ही आपको छांटना है कि इसमें से कौन सा सूटेबल आंसर होगा. जैसे मैं पहला बता दूं, वेयर इज़ द इंडिया, वेयर इन इंडिया वुड यू फाइंड द गांधी जी इज़ मंडप, वेयर द गांधी जी इज़ एशेज वेयर प्लेस्ड बिफोर एमर्सन. तो गांधी इंडिया में ऐसा कौन सा जगह पे है ना, जहाँ पे गांधी जी का मंडप लगा था, है ना, वो उनके मरने से पहले या उनके राख को, मतलब विसर्जन से पहले, उनको अस्थि को ठंडा करने से पहले उनकी जो राख है या अस्थियों को रखा गया था, तो वो कौन सा जगह था? आपके चेन्नई कैसा प्लेस था जहाँ पे गांधी जी के एशेस को रखा गया था, ठीक है? ऐसी ही बहुत ईजी टॉपिक है, आप लोग को समझ तो आ जाएगा, बट यही है कि आपको उसको माइंड में बैठाना है ना. गांधी जी जैसे वर्ड है तो गांधी जी के बारे में तो आप सभी को बहुत सारी चीज़ें पता भी होंगी, है ना. गांधी जी के ऐसे बहुत सारे लोग लर्न किए हैं, कुछ लोग गांधी जी की बुक भी पढ़ते हैं. तो इट्स अ फादर ऑफ आवर नेशन एक्चुअली, है ना, हमारे राष्ट्रपिता हैं गांधी जी. इनके बारे में आई थिंक ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक. विच स्टेट इन इंडिया गेट्स द नेम फ्रॉम द संस्कृत वर्ड मोनास्ट्री. मोनास्ट्री मतलब होता है मठ, है ना. मठ मतलब जब मरते हैं लोग, उसके बाद एक छोटा सा मंदिर टाइप का बनता है, मतलब एक स्ट्रक्चर बनता है, उसको मठ बोलते हैं. तो इंडिया का कौन सा स्टेट है जहाँ पे इस संस्कृत वर्ड जो है मोनास्ट्री से लिया गया है? तो बिहार एक ऐसा प्लेस है जहाँ के में इंडिया का जो संस्कृत वर्ड है ना. देखो संस्कृत सबसे ओल्डेस्ट लैंग्वेज है, संस्कृत, है ना. संस्कृत से ही बहुत सारी लैंग्वेज का आया था, है ना. पुराने जो लोग हैं, जैसे कि हम लोग बोले या भगवान लोग जो रहते हैं, उन लोग जनरली संस्कृत में ही कन्वर्सेशन करते हैं, इसलिए संस्कृत को हम लोग सबसे ओल्डेस्ट लैंग्वेज मानते हैं, ठीक. तो मोनास्ट्री जो वर्ड है वो आपके संस्कृत लैंग्वेज से ही डिराइव किया गया था. तो कौन से स्टेट में है वो? बिहार, है ना. संस्कृत के मोनास्ट्री वर्ड से बिहार लिया गया है. अब जैसे यहाँ पर लिखे, इफ़ यू आर सिटिंग, इफ़ यू आर विजिटिंग द सिद्दी बाशीर मॉस्क और द जुलता मीनार, इन विच इंडियन सिटी वुड यू बीन. अगर आप जुलता मीनार देखने जाओ तो आप कहाँ पर रहोगे? तो जुलता मीनार है कहाँ पर? मतलब अहमदाबाद में आपका है ये, ठीक है. वैसे बहुत सारे मीनार्स हैं जो फेमस हैं आपके इंडिया में, बहुत सारे मीनार्स हैं, अगर आप घूमने जाओ तो पता चले. बहुत शायद आप लोग गए भी होंगे, है ना. किला भी किला बोलते हैं ना जिसको, फोर्ट वगैरह है बहुत सारे. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कश्मीर के बारे में. इन विच प्लेस इन कश्मीर, कश्मीर के एक पर्टिकुलर प्लेस के बारे में आपको बताना है. हुज लिटरली मीन्स द मेडो ऑफ फ्लावर्स, है ना, घास की बगीचा या फूलों का बगीचा, सॉरी फूलों का बगीचा जिसको बोलते हैं. तो कश्मीर का कौन सा प्लेस है दैट हैज़ द हाइएस्ट 9 गोल्फ कोर्स इन द वर्ल्ड. वहाँ पे हाइएस्ट जो है 9 गोल्फ कोर्स होता है, जिसमें फूलों का बगीचा बोलो, है ना, तो वो अवेलेबल है. तो आप कश्मीर के कौन से स्टेट में है या कश्मीर के कौन से प्लेस में है, ठीक है, तो आपको बताना है. तो वो है आपका गुलमर्ग, ऐसा प्लेस है जहाँ पे इसको मेडो ऑफ फ्लावर्स भी बोलते हैं, ठीक. तो ऐसे ही आपको कुछ क्लूज दिए हैं, इसको आपको बस गैस करना है. जैसे एक अच्छा टेंपल के बारे में बताया है, बहुत सारे फेमस टेम्पल्स भी हैं पता है हमारे इंडिया में. तो एक टेम्पल है जिसमें चूहों को देखना, है ना, चूहों को बहुत पवित्र माना जाता है, ठीक है. जैसे चूहा, चूहा का जूठा खाते हैं, चूहा लोग जो प्रसाद चढ़ाए रहते हैं ना उसको चूहे लोग खाते हैं, फिर उसको ना उसको भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं शायद, ऐसा कुछ है, है ना. चूहे को पवित्र मानते हैं. तो ऐसा कौन सा जगह पे है? तो करणी माता का मंदिर है आपका, उसमें अगर आपको चूहे दिखें तो चूहे को बहुत ही शुभ माना जाता है. शुभ मतलब समझ, जो इंडियन जो आपके हिंदू होंगे वो बहुत अच्छे समझ रहे होंगे कि शुभ मानना मतलब हमारे लिए बहुत अच्छा होता है. तो जो रेट्स हैं या जो चूहे हैं उनको बहुत ही शुभ माना जाता है. ये कौन सी मंदिर में माना जाता है? करणी माता का मंदिर है, वहाँ पे चूहों को सबसे अच्छा या पवित्र माना जाता है, उनको देखना भी बहुत अच्छा माना जाता है, ठीक है.
तो ऐसे ही आपको कुछ कुछ क्लूज हैं, सुपर फास्ट ट्रेन के बारे में बताया है कौन सी जगह पे है, कौन सा ट्रेन है। द सुपर फास्ट ट्रेन बिटवीन द हावड़ा मतलब कोलकाता और मुंबई के बीच में चला था, विच लिटरली वर्क ऑन दी रविंद्रनाथ टैगोर, है ना, इट्स नेम फ्रॉम विच लिटरली वर्क ऑन दी रविंद्रनाथ टैगोर। तो गीतांजलि एक्सप्रेस जो है वही चला जाता है आपको मुंबई से कोलकाता के बीच में, ठीक। और रविंद्रनाथ टैगोर जी का फेमस बुक का नाम है गीतांजलि, इनके लिए इनको नोबेल प्राइज़ वगैरह भी मिला था शायद, है ना। तो रविंद्रनाथ टैगोर, तो रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में आपको पता है ना, रविंद्रनाथ टैगोर की और क्या क्या उपलब्धियां हैं या क्या क्या उनको ऑनर मिला है ना। इन्होंने ही आपका जो जनगणमन जो हमारा नेशनल एंथम है वो बनाए थे ना, रविंद्रनाथ टैगोर जी, ठीक। वंदे मातरम की ने था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, जो वंदे मातरम जो सॉन्ग है ना, नेशनल सॉन्ग, उसको बनाया था, लिखा था जो भी है। तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया, ऐसे ही आपको बहुत सारा चीज़ उसके बारे में पढ़ने का। तो और देख लेते हैं, जैसे नेम द रेलवे ब्रिज ऑन द पार्क स्ट्रीट कनेक्ट्स द टू टाउन ऑफ रामेश्वरम इन द मेनलैंड इंडिया। तो कौन सा जो आपका ब्रिज है जो आपके रामेश्वरम के दो सिटी को कनेक्ट करता है, तो आपका वो है आपका पाम्बन ब्रिज। पाम्बन ब्रिज जो है रामेश्वरम में, रामेश्वरम आपको पता है ना बहुत ही फेमस प्लेस है हिंदू लोग के लिए, है ना। रामेश्वरम में भगवान राम से रिलेटेड बहुत सारे आपको वो मिलेंगे क्या, हिंट कि भगवान राम यहाँ आए थे, या भगवान राम का जो मतलब भगवान राम जो पुराने ज़माने में एग्जिस्टेंस में थे, मतलब भगवान राम की जो स्टोरी है वो सही है, ऐसे करके बहुत सारे आपको क्लूज़ वगैरह हिंट वगैरह मिलते हैं, बहुत सारे प्रूफ है वहाँ पे। तो रामेश्वरम बहुत ही फेमस प्लेस है, ठीक है, हिंदूज के लिए। तो ये कौन सा ब्रिज है जो दो स्टेट को जोड़ता है, तो दैट इज़ दी पाम्बन ब्रिज, ठीक है। वैसे ही आपको ये क्लूज़ हैं, इन सभी को बनाना है, दैट इज़ पेज नंबर 24 और 25 को, ओके क्लास। ये इसको ट्वीट करने से पहले मैं एक और चीज़ बता दूँ, ये आपको ड्रास के बारे में बताया है, विच टाउन इन लद्दाख इज़ द सेकेंड कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस इन द वर्ल्ड आफ्टर द साइबेरिया। साइबेरिया सबसे कोल्डेस्ट प्लेस माना जाता है, साइबेरिया के बाद जो कोल्डेस्ट प्लेस है वो है ड्रास, है ना, जो लद्दाख में है। लद्दाख को बहुत ठंडा प्रदेश माना जाता है। तो आपको लद्दाख के बारे में बताना है, ये आपके जम्मू कश्मीर डिस्ट्रिक्ट के पास है ना। कारगिल युद्ध होता है, जानते हो ना, कारगिल की लड़ाई वगैरह आप पढ़े भी होंगे। तो ड्रास इज़ द टाउन इन द कारगिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के कारगिल डिस्ट्रिक्ट में आपका ड्रास है। इट इज़ ऑफन कॉल्ड द गेटवे ऑफ लद्दाख, इसको लद्दाख का गेटवे भी कहा जाता है, और ये बहुत ही कोल्डेस्ट प्लेस है। यहाँ पे जो टेम्परेचर है जो विंटर वेकेशन में मतलब विंटर के सीजन में जिस जनरली -45 डिग्री सेल्सियस होता है, बताओ, मतलब बहुत ही ज़्यादा ठंडा रहना, है ना, बहुत ही ज़्यादा माइनस में टेम्परेचर ही, मतलब बता दो आप सोचो कि इतनी ठंडी होगी वहाँ पे। इट्स द सेकेंड कोल्डेस्ट प्लेस है ना इन द वर्ल्ड, सबसे कोल्डेस्ट कौन है, साइबेरिया, साइबेरिया के बाद आपका यही है ड्रास, ठीक। इन 1999 द कारगिल वॉर, कारगिल वॉर के बारे आप साइंस में पढ़े, SST में पढ़े होंगे, सोशल साइंस में, सॉ इन द टाउन बिगिन अटैक्ड बाई पाकिस्तानी आर्मी, बट द वॉर एंडेड विद द इंडियन आर्मी ब्रेवली एंड रिकैप्चरिंग द एरिया सराउंडिंग द टाउन इन द कारगिल डिस्ट्रिक्ट। तो जो आपको 1999 में बहुत बड़ा वॉर हुआ था, कारगिल का वॉर, और जनरली ये वॉर हुआ था हमारे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, उन्होंने पाकिस्तानी लोग जनरली हमारे के ऊपर अटैक करते ही रहते हैं, तो ये कारगिल एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर उन्होंने अटैक किया था। तो हमारी जो इंडियन आर्मी है उन्होंने बहुत ही अच्छा से मुंहतोड़ जवाब देना बोलते हैं ना, तो उनको मज़ा जगाया, है ना, और उनको फिर हमारे जो प्ले जगह है हमारे इंडिया से उनको खदेड़ा, ठीक, और बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। तो ये हमारा क्या था आपका एड्रेस के बारे में था, ये सेकेंड लार्जेस्ट कोल्डेस्ट प्लेस है, सॉरी, इसको आप याद रखेंगे। तो बाकी चीज़ तो आपको पता ही है, ठीक, ये आपको आप क्या करना है, कंप्लीट करना है पेज नंबर 25 तक, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर कराऊंगी, ओके क्लास, बाय।